एग्जिट हो गए। पता है जब कानवे छोड़ते हैं ना तो टनल में जब चलते हैं ना, देख रहे हो गाइस कहाँ से निकलना पड़ रहा है। मैं किसी से नहीं डरता, बट डैम्पर वाले से मैं डरता हूँ यार। जहाज वगैरह यहाँ पे बैठ सकता है, एक बार यहाँ पे जहाज बैठा भी था। तो भाई फाइनली अभी हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच चुके हैं। ये है Assalamualaikum and welcome back to my channel Zahir Hafiz। तो गाइज आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है बानीहाल से, जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ। ये है बानीहाल का 4-way NH44। यहाँ से आप देख सकते हो काजीगुंड 17 किलोमीटर, पहलगाम 83, श्रीनगर 89 एंड ले 512। तो यहाँ पे बानीहाल का 4-way जो है ख़त्म होता है। यहाँ से आगे अभी काम चल रहा है 4-line का, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ मशीनरी वगैरह सब कुछ अंडर प्रोग्रेस है सारा कुछ। तो यहाँ से आगे का काम अभी चल ही रहा है, तो यहाँ से कंप्लीट है। तो अभी आज हम जा रहे हैं यहाँ से पुलवामा की तरफ। तो देखते हैं आज दिन भर हमारे साथ क्या कुछ होता रहता है, वो सब आपसे शेयर करेंगे। तो जी गाइस अभी हम पहुँच चुके हैं मीर बाज़ार, काजीगुंड के बिल्कुल करीब आता है, मीर बाज़ार बोलते हैं यहाँ पे। तो आप सोच रहे होंगे मैं कहाँ पे हूँ, मैं अभी एक दुकान में बैठा हूँ। यह है जी यहाँ दुकानदार अब्दुल रशीद साहब, जो कि यहाँ पे बैठे हैं। इनसे काफ़ी हमारी फ्रेंडशिप, तो यहाँ पे आना जाना रहता था हमारा, तो इसलिए हमने यहाँ पे थोड़ा रेस्ट किया, व्यू वगैरह हमने लिया। और जनाब अभी हम कुछ इस तरह की जगह पे पहुँचे हैं, मतलब यहाँ से थोड़ा ही दूर है हमारी डेस्टिनेशन, जहाँ पे हमने जाना है थोड़ा ही दूर है यहाँ से। ये बीच में देख पा रहे हो आप ये वाले, ये पूरे सेब के पेड़ है ये, तो आगे भी बहुत है। तो भाई फाइनली अभी हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच चुके हैं। ये है वो रूम जिसमें हम रहते थे। एक्चुअली आपको मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे हमारे कुछ कपड़े वगैरह कुछ सामान वगैरह रख रखा है, तो वही यहाँ से ले जाने आए हैं। तो यहाँ हम रहते थे बट अभी नहीं रह रहे हैं। यहाँ से देखो ये कमरा भाई खोल रहा है अभी, तो इस कमरे में हम रहते थे, ये वाले में और वो वाले में। अभी अंदर चल के भी दिखाता हूँ। यह कमरे का अंदर का कुछ सीन, ये देखो ये बिस्तर वगैरह, ये टॉयलेट और ये किचन, यहाँ पे हम रहते थे। तो अभी यहाँ से सामान निकालते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से। तो जी ये देख सकते हैं आप, ये हमारा सामान पैक हो गया, ये दो बैग और एक ये देखो हेलमेट पे मैंने माउंट लगा दिया। अब बाइक पर चलते चलते थोड़ा बहुत आपको क्लिप्स दिखाऊंगा। तो जी अभी हम यहाँ एक दुकान पे बैठे हैं, यहाँ पे छोला पूड़ी वगैरह खाएंगे हम, छोले समोसे, फिर यहाँ से निकलेंगे। तो अभी हेलमेट का सेटअप वगैरह भी करना है, वो मैं कर लूँगा यहाँ से, तो फिर निकलेंगे यहाँ से। फिर आगे और भी थोड़ी बहुत क्लिप्स दिखाऊंगा मैं, इसकी वजह से मैं नहीं दिखा पा रहा था। तो ये चीज़ जो थी ये मेरी यहाँ वाले रूम पे थी, तो अभी यहाँ से निकलेंगे हम, फिर आगे दिखाते हैं। ये देखो जी छोले समोसे हमारे आ गए हैं, तो अभी खाते और निकलते हैं यहाँ से आगे। तो जी यहाँ से छोला पूड़ी हमारा हो गया, ये देख सकते हैं आप, यहाँ से हमने छोला पूड़ी की। एक बात बताऊँ आपको, आज यहाँ धूप इतनी ज़्यादा है ना कसम से, ऐसा समझ लो कि किसी ने आग जला के रखी है, तो वो सारी हीट जो है ना हम पे आ रही है। यहाँ के नज़ारे आप चेक करो, आसपास के नज़ारे, खेती बाड़ी हो रही है आज, और इतने सारे लोग हैं ना आज खेतों में, क्या ही मैं बताऊँ आपको। तो अभी निकल रहे हैं हम बनिहाल की तरफ, तो वहाँ से आते समय मैं कुछ भी नहीं दिखा पाया, बिकॉज़ मेरे पास हेलमेट में जो माउंट रहता है, जिस पे फोन रहता है अपना कैमरा, तो वो माउंट मेरे पास नहीं था, वो वहाँ रूम पर था। तो अभी वो माउंट वगैरह हम वहाँ से लेके आए, तो अभी आपको ये क्लिप्स देखने को मिल रही है। मेरा फर्स्ट टाइम है आज मोटो व्लॉग, तो कैसा लग रहा है आपको आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएगा। पहली मरतबा मैं ट्राई कर रहा हूँ मोटो व्लॉग की, यहाँ इतने सारे लोग हैं ना आज खेतों में, जैसे कोई फंक्शन वगैरह होते, जैसे कोई ईद वगैरह कोई त्यौहार होता है ना, फोन वगैरह भी हमारे पास बहुत सारे आए थे कि भाई आप आ जाओ इधर श्रीनगर में आ जाओ, बट क्या करें नहीं जा सकते, तो सॉरी उनके लिए जो हमें बुला रहे थे नहीं जा सकते आज, बिकॉज़ हमारे पास सामान बहुत ज़्यादा है, आपने तो वो देख ही लिया। ये देखो गाइस यहाँ से खेतीबाड़ी में कितने लोग लगे हैं। पहले तो डैम्पर वाले से ओवरटेक करना काफ़ी रिस्की रहता है, लेकिन करना पड़ेगा भाई, क्या करें। ज़्यादा भी तेज़ नहीं हम चलते हैं, हल्का सा, आप स्पीड चेक कर सकते हो, किसी से ऊपर हम चलते नहीं हैं भाई, हम वो स्टंट राइडर नहीं है, हम हैं नॉर्मल राइडर। किसी किसी जगह पर रोड ना बहुत ज़्यादा ख़राब मिल रहा है, मेरे पास माउंट नहीं था यार, जिसकी वजह से मैं व्लॉग ही नहीं कर पाया, मतलब मोटो व्लॉग नहीं कर पाया। ओ तेरी, ये देखो गाइस किसी किसी जगह ना रोड काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, ख़राब
इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ये ब्रिज जो देख रहे हैं आप, ये नया बनाया है, जिसकी वजह से यहाँ का रोड बड़ा खराब है। नज़ारे चेक करो गाइस, इस साइड भी थोड़े थोड़े पेड़ है, इस साइड भी थोड़े थोड़े पेड़ है, ये बड़े बड़े, इस साइड छोटे छोटे। तो बाकी बीच में से सड़क जाते हुए जो कि देखने में काफ़ी मस्त है। एक बात है गाइस, अगर आप जम्मू से कंपेयर करोगे कश्मीर को गर्मी के हिसाब से, तो गर्मी तो यहाँ पे भी ज़्यादा है, बट एक चीज़ है, यहाँ जब बंदा चलता है तो चलते चलते ठंडी हवाएं आती है, जो कि जम्मू में बिल्कुल भी नहीं होता। वहाँ पे चलते चलते भी आपको गर्म हवाओं का सामना करना पड़ता है, बट यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे चलते चलते ठंडी ठंडी हवाएं आती है। गाइस यहाँ का नाम है लितर, तुझे पता है इमरान यहाँ का नाम क्या है? लितर, लितर। ये चेक करो गाइस, पहुँच चुके हैं संगम, यहाँ से आगे फोर वे पे हम मिल जाएंगे। फिलहाल तो ये देखो, इन्होंने जाम लगा के रखा है यहाँ पे, ये देखो गाइस कितना गर्दा उठाया इसने। ये है जी फोर वे, लेकिन इधर से जाने नहीं देते, थोड़ा आगे जाना पड़ता है, यहाँ से इन्होंने तार बांध के रखी है। और यहाँ इस जगह को बोलते हैं संगम। अभी अपनी साइड धीरे धीरे करके ले लेंगे हम, तो यहाँ से आगे यू टर्न मारेंगे हम, यहाँ से मारेंगे हम यू टर्न। ओ तेरे, यू टर्न मार के हमने जाना है इधर वाली साइड। गाइस ये संगम का ब्रिज है और इसके उस साइड है दरियाए जहलम। आहा, जब बंदा चलता है ना तो फिर तो ठंडी ठंडी हवाएं आती है, बट जब रुकता है ना तो पसीने छूट जाते हैं कसम से। देख रहे हो गाइस जैम्पर वाला कितना तेज चल रहा है, मेरी स्पीड देखो 77 पे मैं चल रहा हूँ और डैम्पर वाला कम से कम 85 पे चल रहा होगा। मैं किसी से नहीं डरता, बट डैम्पर वाले से मैं डरता हूँ यार, इस वाले से नहीं, किसी भी डैम्पर वाले से मैं डरता हूँ। यहाँ से लेफ्ट टर्न अगर मारोगे ना, वो पुराना वाला रोड जो था अनंतनाग जाने के लिए, अगर अभी भी जाना होगा अनंतनाग, तो यहाँ से आप टर्न करके जा सकते हो। यहाँ से वो बनाया गया है, वो कभी जहाज़ वगैरह यहाँ पे बैठ सकता है, एक बार यहाँ पे जहाज़ बैठा भी था, तो ये वही है, इसीलिए इस रोड को इतना ज़्यादा चौड़ा किया गया है, यहाँ पे जहाज़ वगैरह बैठता है। काफ़ी दूर तक ये बिल्कुल सीधी रोड आपको देखने को मिल जाएगी। ये बीच की लाइनें देखो आप कितनी कितनी बड़ी है, रोड पे तो वो छोटी छोटी लाइनें होती है ना, लेकिन यहाँ काफ़ी बड़ी बड़ी लाइनें लगाई गई है रोड पे। गाड़ियों को देखो, यहाँ 100 से पार गाड़ियाँ चलती है। उड़ गई इमरान की कैब तो गई आज, अब ये कैब लेके आता तब तक मैं इसका वेट करता हूँ यहाँ पे, फिर निकलेंगे। देखो गाइस यहाँ पे फंस चुके हैं हम जाम में, क्या मैं बताऊँ आपको कितनी ज़्यादा जाम है। तो अभी हम साइड साइड से निकालेंगे, जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक, फिर तो आगे की सोची जाएगी। देख रहे हो गाइस कहाँ से निकलना पड़ रहा है, ट्रकों के बीच में से, और ये ट्रक वाला थोड़ा सा इधर उधर स्टीयरिंग को करे ना तो बंदे को कुचल देगा पूरा। अभी हम पहुंचे हैं मीर बाजार में, ये रही हमारी बाइक, यहाँ पे ये हमारा सामान जो कि इमरान अभी सामान को हैंडल कर रहा है, ये बाइक है। यहाँ आसपास का कुछ ये नज़ारा है, तो ये देखो हमें कौन मिले यहाँ पे, वस्ता एजाज। वस्ता भाई कुछ बोलो, गुलजार भाई आप बोलो। धूप बहुत है तो गर्मी आज मुझे लग रहा है पहली बार इतनी गर्मी कश्मीर में देखने को मुझे मिली। यहाँ से देखो आप कितने सारे ट्रक लगे हैं, ये अभी यहाँ की कॉनवे जो है अभी बंद है, तो इसीलिए इतने सारे ट्रक जो है यहाँ पे खड़े हुए हैं। तो अभी अगर आगे से कॉनवे छोड़ी होगी तो फिर तो काफ़ी प्रॉब्लम होगी हमको, अगर नहीं छोड़ी होगी फिर तो ठीक है। पता है जब कॉनवे छोड़ते हैं ना तो टनल में जब चलते हैं ना तो इतना सारा धुआं पोल्यूशन फैल जाता है टनल में, तो बंदे की बुरी हालत हो जाती है भाई, दम घुटने लग जाता है फिर वहाँ पे। ये देखो गाइस अभी हमने रॉन्ग साइड चलना पड़ रहा है, जाम देखो कितना जाम है, ओ बाप रे, ये देख सकते हो आप पूरा जाम है। अभी रॉन्ग साइड हम वहाँ से, हमको रॉन्ग साइड से छोड़ा गया तो, लेकिन यहाँ रॉन्ग साइड में भी जाम लगा हुआ है, क्या पता आगे छोड़े नहीं छोड़े, वहाँ पे भी जाम है, यहाँ पे भी जाम है, अब जाएँ तो जाए कहाँ। स्पीड लिमिट 50 किलोमीटर, देख रहे हो ये है बनिहाल का टनल, अभी इसमें हम एंटर करने वाले हैं।
फाइनली गाइस अभी टनल में हमने एंट्री कर ली। तो ये है जी टनल, अभी हेडलाइट को ऑन करते हैं यहाँ से, क्योंकि इस टनल में ठंडी ठंडी हवाएं चलती रहती है, बट पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, क्या कर सकते हैं भाई, इतनी सारी गाड़ियाँ जब चलेंगी तो पोल्यूशन तो रहेगा ना। फाइनली इस टनल से अभी हम एग्जिट हो गए। ओ बाहर के नज़ारे देखो गाइस, सबसे ज़्यादा देखने के लायक जो चीज़ है वो है यही, मतलब ये ब्रिज जो यहाँ से बना है, पानीहाल का 4-way ब्रिज। कभी कभी तो यहाँ इतनी ज़्यादा हवा चलती है कि बाइक कंट्रोल करना भी मुश्किल हो जाता है। इधर देखो गाइस ये पहाड़ी, वाओ साइड चेक करो, यहाँ पे देखो गाइस ये पानीहाल की ट्रक ले भी है, मतलब यहाँ पे ट्रक वगैरह जब कानवे बंद होती है तो यहाँ पे ट्रक वगैरह रहते हैं। अभी देखो कितने सारे ट्रक वहाँ पे खड़े हैं, ये यहाँ से इतना दिख रहा है लेकिन ये बहुत सारी जगह है, वहाँ पे हज़ारों की तादाद में यहाँ पे अभी ट्रक लगे हुए हैं। तो जी पहुँच गए हम पानीहाल रेलवे स्टेशन के बिल्कुल पास। यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ से है रेलवे स्टेशन पानीहाल का, जिस रोड पर हम टच हो चुके हैं, मतलब ये वाला रोड, ये था पहला वाला रोड जहाँ से कश्मीर जाया जाता था, मतलब श्रीनगर काजीगुंड अनंतनाग जहाँ भी आपने जाना था तो इसी रोड से होते हुए जाना पड़ता था। यहाँ से देखो रोड कितना ज़्यादा ख़राब है गाइस, अभी यहाँ से बुलबुले बहुत है इस रोड में, ये देखो दिखने रहे होंगे लेकिन ये देखो पानीहाल का ट्रैफिक जाम ऑब्जर्व करो। चलो क्या कर सकते हैं। तो जी हम पहुँच चुके हैं, अभी ऊपर की तरफ जाए, इस बंदे को कुचल देना था बट क्या करें, अभी घर जा रहे हैं। सो गाइस अभी मैं पहुंच चुका हूं घर में, अभी यहां से थोड़ा और ऊपर जाना है मुझे, मतलब तो पैदल जाना है। अभी मैं खड़ा हूं यहां, एक शॉप है तो ये देख सकते हैं आप, द्राबू बेकरी एंड रेस्टोरेंट नाम से। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा और शेयर वीडियो को ज़रूर किया करो यार। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर, फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको किसी और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, टेक केयर, बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।